हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। बेटा, पिछले लेक्चर में हमने मूल कंसेप्ट डिस्कस करा था। सबसे पहले लेक्चर में मैंने मूल कंसेप्ट आपको बताया था अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रो नंबर। दूसरे लेक्चर में हमने रिलेट करा था ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मोलिकुलर मास के साथ। सो लेट्स सी अ रिकैप एंड देन न्यू टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस If any substance have 6.010, 6.0224 times power 23 numbers of anything, then it is said to be one mole amount. ठीक है? और if we have one mole of any substance, suppose you have one mole electrons, so basically how many electrons you have? 6.0224 times power 23 electrons we have. In terms of numbers, and this number we say Avogadro's number. इसे हमने Avogadro number कहा था। With respect to Avogadro number, if we have to determine number of moles, then we can find out number of moles just writing the given numbers divide by Avogadro's number. Avogadro number, also known as Avogadro constant. With the help of this formula, we can find out, or we can find out by comparing one mole with this number. ये पहली definition थी mole की, ठीक है? For example, अगर मैं आपको कहूँ कि suppose you have 3.0112 10 to the power 25 molecules of ammonia. कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। मैंने आपको क्वेश्चंस भी कुछ बताए थे नंबर ऑफ मोल्स अगर हमने कैलकुलेट करना है। सो वी कैन कंपेयर विद दिस। अगर इतने नंबर्स ऑफ मोलिक्यूल्स अमोनिया होते तो एक मोल होता। अभी फिलहाल इतने हैं तो कितने मोल्स होंगे? सो यू कैन कंपेयर 6.0224 टेंस पावर 23 अमोनिया मोलिक्यूल्स इफ यू हैव, then it is one mole ammonia according to Avogadro. Now how many moles in 3.0112 times power 25? बेटा बहुत से बच्चों ने यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा। इतने मॉलिक्यूल्स वन मोल है, वी नो अकॉर्डिंग टू Avogadro कंसेप्ट। देन हाउ मेनी मोल्स इन दीज नंबर्स? इट इज 1/6.022 times power 23 multiplied, ये divide हो जाता है, ये multiply हो जाता है, and if you solve it, you get 1/2 × 100, that is 50 moles. Or you can apply formula directly, number of moles of ammonia, we can find out by given numbers. Given numbers are in the question 3.0112 × 10^25 divided by Avogadro number. What is the Avogadro number? You know, 6.0224 × 10^23. You get again same 50 moles. But मेरे कहने का purpose सिर्फ ये है कि जब भी आपको numbers given हो तो number of moles find करेंगे by comparing. लेकिन ये ध्यान रखना है किसके नंबर दिए हैं और किसके मोल्स निकालने हैं। क्लियर? मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा थोड़ी डिटेल में तो समझ जाएंगे, बट दिस इज द बेसिक कांसेप्ट विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। हमने इसी में एक और कांसेप्ट करा था कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हो जब हमें एटॉमिक मासेस या मॉलिक्यूलर मासेस गिवन हो। इसको देख लीजिए, ये दो टर्म डिफाइन किए थे हमने, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास बेसिकली एटॉमिक मास व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स एंड रिमेंबर फॉर ऑलवेज दिस इज द मास ऑफ वन मोल एटम्स इन ग्राम। वन मोल एटम का मास ग्राम में जो होगा वही उसका ग्राम एटॉमिक मास होता है।
For example, suppose gravimetric mass of sodium is 23 grams. So what do you mean by this? It means 23 gram sodium contains 1 mole sodium atoms. This is the mole concept. अगर आपको किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास गिवन है ग्राम में, तो बेसिकली उसमें 1 मोल एटम्स होंगे. दैट इज व्हाट, दैट इज 6.0224 टाइम्स पर 23 सोडियम एटम्स. ओके, ग्राम एटॉमिक मास सम टाइम आल्सो नोन एज ग्राम एटम्स. ठीक है, ग्राम एटम्स का मतलब भी मोल ही है. Gram of atoms, नहीं, gram atoms. Similarly, suppose you have 108 gram aluminium. This is the atomic mass of, sorry, take it silver. 108 gram silver. So this is the atomic mass of silver. So what do you mean by this? Because this is the gram atomic weight of silver. ये सिल्वर का ग्राम एटॉमिक वेट है. देन व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम एटॉमिक वेट? एटॉमिक मास व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम एंड इट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल एटम्स. ये 1 मोल एटम का मास है ग्राम में. सो अगर ये ग्राम एटॉमिक मास है, दिस एग्जांपल 1, दिस एग्जांपल 2, सो इट इंडिकेट्स दैट 108 ग्राम सिल्वर इक्विवेलेंट टू 1 मोल सिल्वर. This is due to mole concept because this is the gram atomic mass. It means what? 108 gram silver contains, like 100 gram agar aapke paas silver hai, it contains 6.0224 times per 23 silver atoms. Kyunki 1 mole mein itne numbers hote hain. So whenever atomic masses are given, given masses are given, then how can you find out number of moles? ऐसे केस में वैसे तो आप कंपेयर कर सकते हो, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको फॉर्मूला मिल जाए. बेटा ये बहुत ही डेप्थ और बहुत ही स्टेप वाइज स्टडी है. मुझे पता है इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम्स आती है 99% स्टूडेंट्स को. बहुत से टीचर इसे टच ही नहीं करते. बहुत से टीचर अवॉइड करते हैं इस चैप्टर को ही पढ़ाने से. पहले वही सिंपल से चैप्टर अबाउट एटम, अबाउट डाल्टन थ्योरी, अबाउट कुछ पढ़ाते रहेंगे ताकि टाइम निकल जाए. ठीक है, कुछ का पर्पज होता है टाइम निकल जाए, फीस आ जाए, कुछ और हो जाए, बच्चों का केयर नहीं. बट ये बेस है, जब तक ये नहीं आएगा ना केमिस्ट्री आप सोचो ही नहीं किया जाएगी. रट्टा लगाना है लगाते रहो. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, साइंस में तो इसे साइंस की हिस्ट्री कहते हैं. और हिस्ट्री कैसे स्टडी करते हैं, यू नो मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री वी हैव टू लर्न. कब क्या हुआ, बाबर कब आया, कुतुबुद्दीन ऐबक कब बना, कब उसने कुतुब मीनार बनवाई, लॉट ऑफ दैट इज द पार्ट ऑफ हिस्ट्री. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन डिस्कवरी कैसे हुई, थॉमसन मॉडल क्या है, रदरफोर्ड मॉडल क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ, ये तो मोस्टली आप टेंथ पढ़ के आ रहे हो. दिस इज द मेन पार्ट विच वी हैव टू लर्न, विच वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो थोड़ी सी मुश्किल जरूर आ सकती है, बट कीप इन योर माइंड कि हमें ये मुश्किल फेस करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है और हम इसको ईजी बनाएंगे. और बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस कंसेप्ट समझिए. जहाँ ग्राम एटॉमिक मास दिया होगा वो एक मोल हो जाएगा और दिस इज द मास ऑफ 1 मोल एटम्स इन ग्राम. दैट्स ऑल. इफ यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स एंड मासेस आर गिवन, सो जस्ट राइट गिवन मास and divide by gram atomic mass, you can find out number of moles. ठीक है, atomic masses से ऐसा निकल जाएगा. gram atomic mass is the mass of 1 mole atoms. basically atomic mass find out with respect to carbon 12. वो पिछले lecture में मैंने आपको सारा कुछ बताया हुआ है. ठीक है, similarly if ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज गिवन, देखो एटॉमिक मास होता है एटम्स के लिए और मॉलिक्यूलर मास होता है मॉलिक्यूल्स के लिए. बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं इसको डिवाइड करके बता रहा हूं.
जो बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात कभी की जाए या वेट, केमिस्ट्री में मास और वेट को सेम ही लेना है, यहाँ पे जिक्स मत लगाने लगना है कि सर ने अभी मास बोला था वेट बोला है तो क्या इसमें ग्रेविटी आएगा। ठीक है, केमिस्ट्री में न्यूमेरिक वैल्यू मास और वेट की हम सेम लेते हैं, हालांकि फर्क है बाय ग्रेविटी। ठीक है, बट इन केमिस्ट्री वी यूज द टर्म वेट, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट मास। ठीक है, और वी यूज द टर्म मास, मास एंड वेट न्यूमेरिकली बोथ वी हैव टू टेक सेम इन केमिस्ट्री अंटिल जब तक कि हमें ग्रेविटी मेंशन ना हो। तो चाहे मैं ग्राम एटॉमिक वेट कहूँ या ग्राम एटॉमिक मास कहूँ, मेरे कहने का पर्पज सेम ही है, टर्मोलॉजी। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। ग्राम मॉलिक्यूलर मास और वेट, इट मींस व्हेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल नॉट एटम्स एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जब मॉलिक्यूलर मास को आप ग्राम में एक्सप्रेस करो किसी मॉलिक्यूल के, तो उसे उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। एंड बेसिकली इट इज इक्वल टू वन मोल मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। ठीक है, 18 कैसे आएगा, दो हाइड्रोजन का हो गया, 16 ऑक्सीजन का, सम करके ही मिलता है ना। ठीक है, इट मीन्स वॉट, वी कैन से 18 ग्राम वाटर इक्वल टू वन मोल वाटर अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, कि अगर किसी का मास उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर है तो वो एक मोल है। इट मीन्स वॉट, 18 ग्राम वाटर हैव 6.0224 टेस्ट पर 23 वाटर मॉलिक्यूल्स, इतने वाटर मॉलिक्यूल्स, समझ गए, क्योंकि एक मोल वाटर में इतने होते हैं अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो। सो इतने ग्राम, मतलब अगर आपके पास 18 ग्राम वाटर है और मैं कहूँ काउंट करो कितने इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो काउंटिंग तो मुश्किल है, बट मूल कंसेप्ट मेक इट इजी। हाउ, इफ यू हैव 18 ग्राम वाटर, देन थ्योरेटिकली वी कैन से 18 ग्राम वाटर हैज 6.0224 टाइम्स पर 23 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर मैं कहूँ व्हाट इज द वेट ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, प्रैक्टिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट, वन वाटर मॉलिक्यूल वी कांट सी, हाउ कैन यू वेट वन वाटर मॉलिक्यूल, वन वाटर, सिंगल वाटर मॉलिक्यूल, बट मोल कंसेप्ट अगेन मेक इट इजी। इफ 18 ग्राम वाटर इक्वल टू 6.0224 टाइम्स पर 23 वाटर मॉलिक्यूल्स, देन व्हाट इज द वेट ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, इतने वाटर मॉलिक्यूल का वेट इतना है, एक का कितना होगा, डिवाइड कर दो। सो दिस इज द मेन पर्पज बिहाइंड मोल कंसेप्ट, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस रिगार्डिंग माइक्रो पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, मेक इट इजी टू फाइंड आउट देयर मास, टू फाइंड आउट देयर वॉल्यूम, टू फाइंड आउट देयर नंबर्स इन द गिवन मास विद द हेल्प ऑफ मोल कंसेप्ट। मॉलिक्यूलर मास की बात होगी तो मॉलिक्यूल टर्म यूज करेंगे। ठीक है, अगर इसी को हमें कंपेयर करना हो ग्राम एटॉमिक मास से, देन इट इज द मास ऑफ वन मोल एटम्स इन ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब ये। एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, हालांकि ये भी वन मोल एटम्स को रिप्रेजेंट करता है, ग्राम एटॉमिक मास वन मोल एटम को रिप्रेजेंट करता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास वन मोल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम, इट मींस 16 ग्राम ऑक्सीजन हैव वन मोल ऑक्सीजन एटम्स, that is 6.0224 times power 23 oxygen atoms. And suppose we talk about gram
मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल के लिए O2 लिखना पड़ेगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 ग्राम, दिस इज दैट्स ग्राम मॉलिक्यूलर वेट. इट मींस व्हाट? इट मींस 32 ग्राम ऑक्सीजन हैव 6.0224 टाइम्स पर 23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. फर्क समझिए, क्योंकि ये वैल्यू भी वन मोल एटम्स होती है. ये तो वो चीजें हैं जो अब तक आपने पढ़ा था, समझ गए? ठीक है, लेकिन मोल कंसेप्ट में ये जो कुछ आपने पढ़ा है ये एप्लीकेबल है, कहीं पे भी आप अप्लाई करिए. बट कई बार ना इन केस ऑफ गैसेस हमें वॉल्यूम ऑफ गैसेस गिवन होते हैं, और जब वॉल्यूम ऑफ गैसेस गिवन होते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो समझना वाली बात है. रिमेंबर, ओनली फॉर गैसेस. द थर्ड डेफिनेशन ऑफ मोल any gas is said to be one mole. gases ke liye sakte hain, kisi bhi gas ko aap one mole keh sakte ho if it occupies 22.4 liter volume at STP or NTP. That is, we can say 22.4 liter volume of any gas is said to be one mole gas, but this volume should be measured at STP or NTP. That's why 22.4 liter volume of gas is known as molar volume. ये थोड़ा सा कुछ टर्म है, जैसे अगर कहीं कहा गया है कि what do you mean by molar volume, this is the volume of one mole. molar word is used for one mole. कहीं पे लिखा है what do you mean by molar mass, molar mass, it is the mass of one mole. ठीक है, तो इन्होंने कह दिया कि अगर किसी गैस का 22.4 लीटर वॉल्यूम है एसटीपी और एनटीपी पे तो वो गैस वन मोल कहलाएगी. लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि एसटीपी और एनटीपी के, दीज आर द कंडीशंस. एस TP means standard temperature and pressure. NTP का मतलब है normal temperature and pressure. In case of gases, whenever you have to find out the volume, the conditions of temperature and pressure should be mentioned. These are the two scales basically. In chemistry both are same. So पहले तो देखिए STP और NTP का meaning क्या है. बेटा एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, फुल फॉर्म है इसके. केमिस्ट्री में ये दोनों सेम है, वैसे फॉरेन में ये दोनों स्केल अलग अलग हैं. एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. दीज आर द स्केल्स ऑफ मेजरमेंट. एट वेन एवर एट एसटीपी और एनटीपी इज मेंशन, रिमेंबर ऑलवेज टेक वॉल्यूम 22.4 लीटर पर मोल ऑफ गैस. कभी भी आपको एसटीपी और एनटीपी दिया हो उसमें एक मोल गैस का वॉल्यूम ये होगा, टेम्परेचर होगा बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड
और 273.15 केल्विन, और प्रेशर होता है 1 bar, बेसिकली 1 atmosphere, 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं यहाँ पे बार भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 atmosphere जो होता है ना, 1.01 bar होते हैं अप्रॉक्सीमेट, तो ऑलमोस्ट सेम है। व्हेनेवर एसटीपी और एनटीपी इज रिटन एनीवेयर, देन उसका मीनिंग है वॉल्यूम इतना है, टेम्परेचर इतना है, प्रेशर इतना है। मतलब एसटीपी और एनटीपी दिया हो तो 3 conditions हमें पता लग जाती है। दैट मीन्स वी कैन से, जैसे मैं आपको कहूं व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ 1 mole हीलियम एट एसटीपी और एनटीपी, सोचना ही नहीं है। 1 mole का है, इस पर है, आंसर इज 22.4 liter। मैं आपको ड्राइव भी करा दूंगा कहाँ से आया। दैट्स वाई वॉल्यूम ऑफ 1 mole गैस इज नोन एज मोलर वॉल्यूम। लेकिन ये जो 22.4 liter है, इट इज ओनली एट एसटीपी और एनटीपी। अगर टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस चेंज होती हैं तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, एंड दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस। अब इसी पे न्यूमेरिकल ले दूं, मैं कहूं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी और एनटीपी। एसटीपी और एनटीपी पर 0.5 मोल हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम क्या होगा, देन यू हैव कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आपके पास 1 मोल गैस है एसटीपी एनटीपी पे, तो वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा, तो 0.5 मोल का कितना होगा, आंसर इज 11.2 लीटर। 1 mole का है 22.4, तो 0.5 मोल का कितना होगा, 11.2 लीटर, हाफ हो गया इसका। सो दिस इज द थर्ड कंसेप्ट। बट आप में से कुछ बच्चे पूछना चाह रहे होंगे कि अगर सर एसटीपी और एनटीपी गिवन ना हो, ठीक है, वैसे तो ना आपके सिलेबस में आगे चैप्टर आएगा स्टेट्स ऑफ मैटर, वहां पे आपको ये कंसेप्ट दोबारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट्स ऑफ मैटर में एक चैप्टर है गैसियस स्टेट, ठीक है। बट मेन कंसेप्ट यही है। एक बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, पीवी इक्वल टू एनआरटी, दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। सब्जेक्टिव वाले बच्चे से छोड़ देंगे, इट इज ओनली फॉर कॉम्पिटिशन, वेयर पी रिप्रेजेंट प्रेशर ऑफ द गैस, V represent volume of the gas, N represents number of moles of gases, R is known as universal gas constant, and T is the temperature, ठीक है। अगर आपके पास प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर कुछ और है, एसटीपी नहीं है, देन नंबर ऑफ मोल्स कैन बी फाइंड आउट पीवी बाय आरटी। यहाँ पे आप प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर जो भी दिया हो पुट कर दो, आर की वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है, आर इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, 0.082 लीटर एटमोस्फियर पर मोल पर केल्विन। आर इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। जाउल में लिखना हो तो ये लिखो, लीटर एटमॉस्फेयर में लिखना हो तो ये लिखो, एंड इट इज 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। कैलोरी में ये है, बट ज्यादातर कैलकुलेशंस में ये यूज होती है, क्योंकि वॉल्यूम लीटर में दिया होता है, प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया होता है, टेम्परेचर केल्विन में। तो अगर एसटीपी और एनटीपी नहीं है, तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। बट दिस फॉर्मूला अगेन इज ऑल्सो एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस। बट मोस्टली आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें एसटीपी और एनटीपी की कंडीशन मेंशन होगी। अभी फिलहाल
क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है आगे स्टेट्स ऑफ मैटर में आएगा, मैंने इसलिए कहा कि ओनली फॉर अभी फिलहाल आपको IIT JEE और नीट के प्रॉब्लम्स करने में से अप्लाई करना पड़ेगा, बाद में ये यूज हो जाएगा सब्जेक्टिव में भी है बट अगले चैप्टर में। सो यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको मिला 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, ये भी दिमाग में आपके चल रहा होगा कि हाइड्रोजन का अलग वॉल्यूम ऑक्सीजन का अलग, नहीं, कोई भी गैस हो किसी भी गैस का ये वॉल्यूम आ जाए एट STP और NTP देन द गैस इज सेड टू बी वन मोल। बट ये STP और NTP लिखा होना चाहिए, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मोलर वॉल्यूम। बेटा मैं आपको अगेन एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, इट इज ऑल्सो ओनली फॉर IIT JEE और नीट। एक और स्केल है SATP, इट मींस स्टैंडर्ड एम्बियंट, AMBIENT, स्टैंडर्ड एम्बियंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। This is another name of the scale. At this scale, you have to take temperature 25 degrees centigrade or 298.15 Kelvin. Pressure, take 1 bar or 1 atmosphere. Bar और atmosphere में बहुत फर्क नहीं है, इसलिए आप दोनों ले सकते हैं। Volume इसमें अब 24 liter आएगा। That means according to this scale, according to this scale, at SATP, 24 liter volume of any gas under these conditions give you 1 mole. ठीक है? Otherwise आप ये temperature, pressure यहाँ put करके देख लो, volume ये आ जाएगा। So this concept is applicable only for gases. ये formula बहुत rarely लगाने को मिलेगा, number of moles निकालने के लिए PV over RT. E represent pressure, V represent volume, R represent gas constant, T represent temperature, and you have to find out number of moles of the gas. Gas कोई भी हो, सभी gases के लिए ये formula applicable है, ये concept applicable है। तो अब मैं आपको एक summarize करके बता रहा हूँ कि जो आपने मोल concept पढ़ा उसको अगर मैं एक line में आपको समझाने की कोशिश करूँ अलग अलग तरीके से। मैंने आपको कहा कि आपके पास 1 मोल कोई गैस है, ठीक है, इट मींस आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं उस गैस के, ये वगैरह जो नंबर हो गया। अगर आपके पास 1 मोल गैस है तो उसका जो वेट होगा वो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होगा, मतलब मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम होगा, एक मोल हो जाएगा। और अगर 1 मोल गैस है और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है 22.4 लीटर पर मोल एट STP और NTP, या फिर 24.0 लीटर पर मोल एट SATP, लास्ट में बताएं SATP इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कॉम्पिटिशंस। अगर SATP है तो 1 मोल का वॉल्यूम ये लेना है, और अगर STP और NTP है तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम ये लेना है। तो मेकल्स इजी हो जाएंगे 1 मोल के लिए, लेकिन ये लास्ट के दो जो कंसेप्ट हैं एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस। एक प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं, मैंने क्वेश्चन दिया आपको, पहले सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं। यू आर गिवन वन मोल हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एट STP और NTP, ठीक है, क्वेश्चंस दिए, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2S, सेकेंड
find weight of S2S in gram of one mole and find volume of gas in a liter. ये जो आपको गिवन है बेटा, इसके लिए आपने ये तीन चीजें निकाल दी। मैंने जानबूझ के वन मोल लिया ताकि आपको मोल कंसेप्ट पता लगे। अगर मैं कहता 0.5 मोल, हम 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम कहते 10 मोल, हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट फॉर वन मोल। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2S, यू नो वन मोल H2S अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो। नंबर फाइंड करना है तो एवोगैड्रो, वेट फाइंड करना है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और वॉल्यूम फाइंड करना है तो 22.4 से कंपेयर करना होगा। वन मोल H2S, ठीक है, दैट मीन्स यू हैव 6.0224 × 10²³ H2S मॉलिक्यूल्स, एक आंसर हो गया। अगर मैं यहीं पे क्वेश्चन कहता है कि फाइंड आउट फॉर 0.5 मोल्स, तो मल्टीप्लाई बाय 0.5 कर देते हैं। फाइंड आउट वेट ऑफ H2S इन ग्राम, वी नो वन मोल H2S, वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। इफ इट इज मॉलिक्यूल, और अगर एटम है तो ग्राम एटॉमिक वेट। सो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इज द मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, 2 × 1 + 32 ऑफ सल्फर, सो इट कम्स ऑफ 34, इट इज 34 ग्राम। एक मोल गैस का मास उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। वॉट अबाउट वॉल्यूम? वॉल्यूम टर्म इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैस, because hydrogen sulfide is gas, and if it is 1 mole, then its volume is 22.4 liter at STP or NTP. If in the same question, ठीक है, देख लिया आपने, अगर मैं कहता find all these things for 0.5 moles, अब क्या करते हैं? ये तो डेफिनेशन से आए ना, वन मोल में इतने हैं तो 0.5 में कितने होंगे, मल्टीप्लाई। वन मोल का वेट इतना है, 0.5 का कितना होगा, मल्टीप्लाई। वन मोल का वॉल्यूम 22.4 है, 0.5 का कितना होगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पे 10 मोल्स लिख दूँ, वन का इतना है, 10 का कितना। सो दिस इज द सिंपल यूनिटरी मेथड, बट देयर आर थ्री कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ मासेस, एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। ये सभी को आपने एक साथ समझना होगा, ठीक है। मैंने चार्ट बना के आपको एक थ्योरेटिकल नोट्स भी दे रखे हैं, उनमें जब आप मोल कंसेप्ट स्टडी करो तो दो चार्ट बने हुए हैं, दोनों चार्ट की स्टडी करना। मैं अभी मेंशन कर देता हूँ पेजेस उसके, ठीक है। तो अब आपने ओवरऑल नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, और नंबर्स गिवन है, गिवन नंबर्स डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। दिस फॉर्मूलेज फॉर सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव वाले स्टूडेंट्स के लिए, IIT JEE नीट के लिए मैं चाहूँगा कि आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करके निकालो, ठीक है। अगर आपको वेट गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, गिवन वेट डिवाइड बाई ग्रामेट्रिक वेट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, और हम आपको अगर वॉल्यूम गिवन है तो गिवन वॉल्यूम, बट रिमेंबर इट इज ओनली फॉर गैसेस, गिवन वॉल्यूम इन लीटर्स, लीटर का जो यूनिट में रखना उसी यूनिट में रख लेना, डिवाइड बाई 22.4 लीटर एट STP और NTP। मोस्टली क्वेश्चंस में STP और NTP के ही प्रॉब्लम्स आएंगे। ये लीटर है तो इसको लीटर में ले लेना। ये तीन फॉर्मूले से काम चला सकते हैं, या कंपैरिजन कर लो। कैसे? 6.0 × 10²³ नंबर्स ऑलवेज इक्वल टू वन मोल, ग्राम एटॉमिक वेट और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी सब्सटेंस इट इज ऑल्सो वन मोल, 22.4 लीटर एट STP और NTP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर ऑफ गैस इट इज ऑल्सो वन मोल। तो ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। नाउ
एक बार वीडियो को क्लियरली देखो अच्छे से। पिछले दो वीडियोस को भी मैंने समराइज करने की कोशिश की है, जिन्होंने मूल कंसेप्ट के एक भी वीडियोस नहीं देखे उनको कुछ नहीं समझ आएगा। सो सबसे पहले आप फर्स्ट वीडियो देखो एवोगैड्रो नंबर का, फिर आप ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में मैंने बताया एक वीडियो में, वो देखिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखिए जो से रिलेटेड मूल कंसेप्ट की डेफिनेशन बताइए, और उसके बाद फिर ये वीडियो देखिए। उसके बाद फिर आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें कुछ एग्जांपल्स होंगे, यू कैन ट्राई, ठीक है। या फिर आपके पास मॉडर्न प्रदीप की बुक है तो वहाँ तो बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, और उसके बाद एक्सरसाइज भी दे रखी है, ठीक है। वो करिए, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सेंड कर रहा हूँ, वो ट्राई करिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया हो जाएगा, फिर मैं जो क्वेश्चंस दूंगा उनका एक सॉल्व वीडियो भेज दूंगा आपके पास, फिर देखेंगे आपके डाउट्स होंगे तो मैं लाइव सेशन भी लूँगा, ठीक है। बट लाइव सेशंस में बहुत कम स्टूडेंट्स अटैम्प्ट हो पाते हैं, कोई किसी बिजी है या कुछ और है, इसलिए मैं एक दिन पहले अगर नोटिफिकेशन देता हूँ तो प्लीज़ आप उसको देखा करो, ठीक है। ओके ओके, ऑल द बेस्ट, प्लीज़ वॉच द वीडियोस एंड इफ नीडेड यू कैन शेयर टू योर फ्रेंड्स। दीज वीडियोस आर वेरी वेरी यूजफुल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर IIT JEE नीट। यू कैन शेयर ऑल दीज वीडियोज फॉर द IIT एस्पिरेंट्स, नीट एस्पिरेंट्स, योर फ्रेंड्स जो कह रहे हो कि हमने ये पढ़ लिया है, आप उनको कह सकते हो और वो आपको बताएंगे कि इन वीडियोज में कितनी क्वालिटी है, ठीक है। सो मेरा मेन फोकस है आपको क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, क्वालिटी स्टडी दी जाए, जिससे आपका बेस बिल्डअप हो, बेस बने, नॉट जस्ट पासिंग ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं आपको बहुत दिन तक टाइम पास करा सकता हूँ, बट हमने टाइम पास नहीं करना, वी हैव टू लर्न अलॉट, टाइम कम है अभी। चलो इस साल जैसे भी कटेगा कट जाएगा, बट आपके टाइम पे अगले साल शायद IIT JEE और नीट के एग्जाम्स की डेट चेंज ना हो, आपके टाइम पे कोई बोर्ड्स की डेट चेंज ना हो, वो टाइम पे ही होंगी, क्योंकि आप तो अभी जस्ट बिगनिंग कर रहे हो दो साल बाद, और इतनी तो उम्मीद नहीं की जा रही कि दो साल तक कोरोना चलेगा और आपके लिए भी डेटें शफल होंगी। सो ये ध्यान में रखिए, आपके लिए टाइम कम होगा और आपके लिए एग्जाम्स की डेट्स, चाहे वो IIT JEE हो, चाहे वो नीट हो, चाहे किसी कॉलेज के एडमिशन की डेट हो, कॉलेज के एडमिशन टेस्ट हो, या बोर्ड एग्जाम्स, वो अपने टाइम पे ही होंगे, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम्स तो चलो ओनली प्लस टू के होंगे, बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्पिटिशन्स एंड फॉर योर स्कूल एग्जाम्स, तो वो सब की तैयारी आपने करनी होगी। सो प्लीज़ बी सिंसियर एंड स्टडी करिए। डाउट्स आते हैं कॉल करिए, मुझे मैसेज करिए, मुझे आप पेज का जो है कैम स्कैनर से या कहीं से भी स्क्रीनशॉट लेकर के भेजिए, सर ये चीज़ नहीं समझ आ रही, बट प्लीज़ डू हार्ड वर्क। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।